अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन चीज़ बॉक्स की रेसिपी। ये देखिए कितना क्रिस्पी है बाहर से और अंदर से एकदम क्रीमी है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने चिकन ले लिया था, मैंने बोनलेस चिकन लिया है। मैंने 250 ग्राम या शायद 300 ग्राम लिया था चिकन। उसमें मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच से भी कम काली मिर्च पाउडर डालना है और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और नमक डालना है। अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा नमक और लाल मिर्च। और अदरक लहसुन पेस्ट डाला है मैंने आधा चम्मच। उसके बाद मैंने ब्लैक सोया सॉस डाला है, ये देखिए ये मैंने एक चम्मच के करीब डाला था। डार्क सोया सॉस है वो डाला है मैंने, जो चाइनीज़ के लिए यूज़ होता है। और अच्छे से मैरिनेट के लिए रख लेंगे इसको, आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखना है तो टेस्ट अच्छा आता है हमारी रेसिपी में। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको रख दिया था साइड में, ये देखिए। तो आधा घंटा हो गया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था वो डाला है। बहुत ही कम तेल डालना है हमको, आधे चम्मच के करीब तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। क्योंकि तेल भी इसलिए डालना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा इसका पानी निकल गया है चिकन का। ये अच्छे से चिकन पक जाए उतनी देर हमको इसको पकाना है। तो थोड़ी देर मैंने इसको ढक के रख लिया था और अच्छे से पका लेना है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी आपको। तो अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए। ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब मैंने इसको क्या कर दिया था, थोड़ा चम्मच से, इसी चम्मच से मैंने इसको मैश कर लिया था, ये देखिए। अगर आपको खीमा लेना है चिकन का तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने इसको ऐसे ही बोनलेस चिकन से ही बनाया था। फिर उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है और उसके बाद मैदा डाला था 2 चम्मच। और मैदा डालने के बाद अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए। ये देखिए अच्छे से भून जाए। उसके बाद मैं इसमें 1 कटोरी दूध डालूंगी। और आप ये रेसिपी के लिए अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चिकन ले लेना। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा चिकन का बनाइए। ये देखिए 1 कटोरी मैंने दूध डाला है इसमें। अब ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, उतनी देर तक हमको इसको पकाना है अच्छे से। ये देखिए कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। हमको इसको चलाते रहना है गैस और स्लो फ्लेम पर ही रखना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगा। थोड़ा ठीक हो जाएगा, अभी देखिए 2-3 मिनट में ही ये ठीक हो जाएगा अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है, ठीक हो गया अच्छे से। उसके बाद मैंने इसमें चीज़ क्यूब डाली है, ये देखिए ग्रेट करके डाला था मैंने इसको, 1 चीज़ क्यूब है ये डाली है मैंने। और उसके बाद हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। नमक नहीं डालना है हमको क्योंकि ऑलरेडी चीज़ थोड़ी खारी रहती है। तो ये देखिए और चिकन में भी हमने नमक डाला है। तो चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, अब 2-3 मिनट इसको पका लूँगी। इसको पकने में चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं जाता है मेल्ट होने में। उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डालना है हमको, 1/2 चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डालना है मैंने इसमें डाला था, ये देखिए। और उसके बाद चिली फ्लेक्स डालना है। उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो ये देखिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा कम या ज़्यादा। अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, मैंने 1/2 चम्मच ही डाला था। और अच्छे से मिला लेंगे और इसको अभी ज़्यादा थिक नहीं करना है, ये थोड़ा और पकेगा। उसके बाद मैंने इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध पर जो मलाई आती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए 2 चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो अच्छे से मिला लिया था मैंने। उसके बाद हल्का सा ही नमक डाला है क्योंकि चीज़ थोड़ी खारी रहती है, इसलिए मैंने नमक का कम यूज़ किया है। तो नमक डालने के बाद हल्का सा फिर मिला लेंगे और उसके बाद जो हमने चिकन पका लिया था वो डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए
जो चिकन हमने पका लिया था वो डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि चिकन ऑलरेडी पका हुआ है, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर गैस की फ्लेम बंद करके इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने शीट ली है, जो समोसे के लिए शीट आती है, समोसा पट्टी, वो ली है मैंने। तो दो शीट ली थी मैंने, उसके अंदर जो हमने ये बनाया था चिकन का वो डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच ही डालना है। अगर आपको ज़्यादा फील करना है तो आप ज़्यादा डालिएगा, मैंने 1.5 चम्मच ही डाला था। और मैंने ये पेस्ट बनाया था, 2 चम्मच मैदे के आटे में पानी डाल के पेस्ट बनाया था ताकि ये अच्छे से चिपक जाए फ्राई करने के टाइम, खुले ना। और ये देखिए कैसे फोल्ड करना है, आप एक बार देख लीजिए, अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में। और इजी है बहुत, आप उसका जो मैंने चिकन मैरिनेट करके बनाया है वो आप बना के रख लीजिए, उसके बाद पट्टी में ऐसा रख के फील कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, देखिए। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, तो अगर आपको ज़्यादा भरना है तो आप ज़्यादा भर देना। मैंने 1.5 चम्मच ही डाला था। ये देखिए 2 शीट यूज़ होगी एक बॉक्स के लिए हमको। अगर आपके पास बड़ी शीट हो तो आप उसको 2 कर लेना, लेकिन जो मैंने शीट ली थी वो मेरे पास छोटी थी। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर लेना है, और सब मैंने फोल्ड कर लिए थे, उसके बाद मैंने फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए मैंने फोल्ड कर लिए हैं सब, ये फोल्ड करके मैंने रख लिया है। उसके बाद मैं इसको फ्राई करने लूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने रख दिया था, तेल अच्छे से गरम होने के बाद ही इसको डालिएगा। और मैंने छोटी कढ़ाई ली थी इसलिए मैंने एक एक ही फ्राई की। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप 2 एक साथ फ्राई कर लेना, और अच्छे से इसका गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करने कर लेना। बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं बाहर से और अंदर से बहुत ही क्रीमी। ये देखिए अच्छे से इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगी रेसिपी आपको। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं आपको फटाफट से फ्राई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैंने इसको मायनीज के साथ सर्व किया था, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।